भदोही जिले के औराई के नरथुआ स्थित पंडाल में हेलोजन लाइट से आग लगी थी। आग की वजह की पड़ताल करने का गठित एसआईटी ने डीएम को सौंपे गए रिपोर्ट में यही दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार हेलोजन गर्म होने से पंडाल के कपड़े ने आग पकड़ी। इस आग ने तेजी से पूरे पंडाल को अपनी आगोश में ले लिया। जांच में औराई कोतवाली के पुलिसकर्मियों की लापरवाही भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार नरथुआ में पंडाल बिना अनुमति के लगाया गया था। अग्निशमन और पुलिस से कोई एनओसी भी नहीं ली गई थी। बावजूद नवरात्र के 7 दिनों तक पुलिस और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अग्निकांड के बाद अधिकारी सतर्क हुए। एडीजी जोन की ओर से गठित एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सोमवार को डीएम को सौंपी। इसमें बताया गया कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट न होकर हेलोजन लाइट थी। पंडाल के समीप ही हेलोजन लाइट लगी थी। उसकी गर्मी से पंडाल के प्लास्टिक युक्त कपड़े जलने लगे। देखते ही देखते पूरा पंडाल उसकी चपेट में आ गया और धू धू कर जल गया। रिपोर्ट में कोतवाली के दोषी कर्मियों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। बगैर अनुमति बनाया गया पूजा पंडाल पुलिस की लापरवाही का नतीजा था। डीएम ने जांच के लिए अधिकारियों की टीम भी गठित कर दी है। डीएम गौरांग राठी ने कहा कि एसआईटी जांच चल रही है। उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया जा रहा है। जाँच पूर्ण होने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 64 लोग घायल हुए, 2 तो भाग्य संघर्ष हो चुके हैं। 1 10 साल का बच्चा है, 10 से 12 साल का अंकुश सोनी और 1 वयस्क महिला है जया देवी। ये जो अंकुश सोनी है उनकी डेथ भदोही में होने की बहुत ज़्यादा है ज्ञान बेचकर, और जो जया देवी हैं उनकी डेथ ऑन अराइवल कवि चौरा हॉस्पिटल वाराणसी वहाँ पर हुई। इसके अलावा जो बाकी 64 है उसमें से अराउंड 18 पेशेंट्स जो हैं वो लो बर्न कैटेगरी के हैं, 20-20%, उनको बहुत जल्दी हम लोग डिस्चार्ज कर लेंगे। जो बाकी बचे हुए हमारे पास पेशेंट्स हैं 40 के, वो पेशेंट्स हम लोग सभी स्टेबल हैं। वाराणसी में उनका इलाज चल रहा है, 4 पेशेंट्स प्रयागराज में हैं। सभी जो लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास 10 मिनट पहले में ACMS दोनों ही हॉस्पिटल्स के जहाँ पर इलाज चल रहा है, प्राइमरली वाराणसी में और प्रयागराज में 24 हॉस्पिटल है स्वरूपा देवी, वहाँ पर भी लगातार मेरे प्रिंसिपल जो ऑफिसर है उनसे बात हो रही है। सभी लोग स्टेबल हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर है। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें हम लोग के पास क्या हो रहेगा, बट जो हेल्प है उसके लिए रेड क्रॉस की तरफ से भी और हमारी प्रशासनिक टीम वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है। लोकल स्तर पर हम लोग सभी को आश्वस्त किया है, इसमें पूरा जो खर्चा है उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा प्रशासन को। इसके अलावा भी जो उन्हें सहायता है प्रशासन से लगातार बात हुई, प्रशासन ने भी आश्वस्त किया है कि हम मैक्सिमम इसमें हेल्प करेंगे। जो भी इसमें जो डिजिटलिटी हुई है उनकी भी और जिनका इलाज चल रहा है वो भी, क्योंकि एक लंबा इलाज चल रहा है। तो अभी तक के लिए ये हमारी इसमें प्रक्रिया रही है। जहाँ तक बात हादसे की है उसके लिए 4 मेंबर SIP गठित कर दी गई है, जिसमें ADM FR उसके अध्यक्ष हैं, इसके अलावा ASP भदोही, XCN विद्युत ज्ञानपुर और चीफ फायर ऑफिसर भदोही, इनको उस टीम में रखा गया है। ऑलरेडी वो टीम इस समय मौके पर जब हम बात कर रहे हैं रात में करीब 2 बजे वो टीम इस समय जाँच कर रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के भी इसमें जाँच करने के लिए टीम रवाना हो चुकी है मिर्ज़ापुर से। हम लोग अर्ली मॉर्निंग कल तक फैक्ट फाइंड कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उसके बेसिस पे भी हम लोग जो ऑलरेडी कार्रवाई कचरे में ला चुके हैं जिसमें जिम्मेदारी पुलिस इसमें ऑलरेडी शिनाख्त कर रही है, जिम्मेदारी इसमें एस्टैब्लिश की जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें जिसके लिए भी इसमें जरूरी होगी वो की जाएगी।